अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हम सब लोग? तो आज की वीडियो काफी खतरनाक होने वाली है, काफी हैवी भी क्लचेज हैं, तो वीडियो जरा से भी मिस मत करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लास्ट वीडियो में भी 3K लाइक्स का एम था, लेकिन 3K लाइक्स पूरे नहीं हुए थे, तो इस वीडियो में यार 3K लाइक्स जरूर कम्प्लीट करवाना और यार चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। लास्ट वीडियो में मुझे 500-600 सब्सक्राइबर मिले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, ऐसे सब्सक्राइब करते रहो। और ना गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 26K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 24K रह गए 50K होने में। क्या बड़ी ईद से पहले आप लोग मेरे 50K सब्सक्राइबर्स करवा सकते हो? वैसे है तो मुश्किल, लेकिन ना ऐसे सब्सक्राइब करते रहोगे तो यार शायद हो जाए, शायद। तो यार काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। बाकी यार अब चलते हैं अपने क्लचेस की तरफ। काफी टाइम हो गया गाइस, आप लोगों को ना सेकंड्स की कहानी देखने को नहीं मिली। तो सीन ये होता है कि एक टीम ऊपर होती है और एक टीम मेरे सामने होती है, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि सामने जो है ना वो पूरी टीम है। मुझे यही लग रहा था कि सामने ना दो बंदे हैं। तो खैर, ऊपर वाली टीम जब नीचे वालों पर रश करती है ना, तो नीचे वाले बंदे ऊपर वालों को मार देते हैं। फिर ना गाइस ये लोग मेरे पे रश करेंगे। सेकंड्स की कहानी होने वाली है, आप लोगों को क्लच देख के मजा आ जाएगा। हाय 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 यार, ये क्लच देख के ना आप लोगों को मजा आ गया होगा। इस क्लच की वजह से ना अब आप लोग वीडियो पूरी देखोगे, मुझे पता है। खैर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लच पे। क्या गाड़ी है यार ये, इसके शोर ने सर में दर्द कर दिए। खैर अब ये एक स्क्वाड वापस आ जाता है और एक दो बंदे ऊपर होते हैं, तो ये लोग ना जब हम पे रश करेंगे और इतनी नेड्स मोली करवाते हैं कि यार हमें पागल कर दिया होता नेड मोली की वजह से ना, तो हम लोग ना इस रूम में आ जाते हैं, क्योंकि इस रूम में ना नेड मोली नहीं आ रही थी। बाकी आगे का सीन चेक करो आप लोग। हाकिम ने ना यहाँ पे मुझे बचा लिया होता और मैं काफी खुश होता हूँ, लाइक ना एक जान में जान आ जाती है ना, क्योंकि यार जब भी मैं नॉक होता हूँ ना तो भाई हम मोस्टली फिनिश हो जाते हैं, यस ही हो जाते हैं, लेकिन इस बार हाकिम ने मुझे बचा लिया। क्योंकि यार ये खेलता है एंड्रॉइड पे, तो इसका सीन ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अरबी लॉबी में ना। तो और ना गाइस मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि यार ये हाकिम कौन है, तो यार ये मुझे रैंडम मिला था तो मैंने इसे ऐड कर लिया था। मैं ना इसके साथ लाइक डेली खेलता हूँ, इसके साथ अब फ्रेंडली सीन हो गया यार, काफी नाइस बंदा, काफी अच्छा बंदा ये हाकिम। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये फेल्ड क्लच क्यों लगाया इसने, मैंने इसलिए लगाया इसके फौरन बाद ना एक पूरी टीम मेरे रच कर देती है, चार बंदे होते हैं तो उन पे जो मैं क्लच करने लगा हुआ ना वो बड़ा हैवी किस्म का क्लच है, आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। यार ये एम के बहुत तबाही करना है यार, मेरा दिल आ गया इस पे। मैं वैसे मोस्टली एम जी या फिर ग्रोजा ही यूज करता हूँ, ग्रोजा तो वैसे ही मेरा लव है, लेकिन आने वाले क्लचेस में ना आप लोगों को एम के नजर आने वाली है इंशाल्लाह। खैर अब चलते हैं अपने अगले क्लच की तरफ। यार ये रेंगल से थोड़ा थक गया था तो मैंने ना रैंक में बूट कैम्प लगा लिया। वैसे तो यार बूट कैम्प लगता नहीं है, लेकिन ये ना क्रॉस ओवर लॉबी लग गई थी, मीन्स के हाई एम एस लॉबी थी। इधर एक स्क्वाड लैंड हो जाता है और उनको ना यार मैं भगा भगा के मारता हूँ, आप लोग बस ये ना क्लच इंजॉय करो। इधर मैं स्पून से हील करता हूँ, हील करने के बाद ना मैं ना दूसरी साइड पे निकल जाता हूँ। नो no.
मुझे ना नेट पिन करने की आवाज आती है, तो मैं ना विंडो से जंप कर देता हूँ। ओके Okay. ओके गाइस, ये क्लच भी हमारा यहाँ पे डन हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्लच की तरफ। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके सारे क्लचेस होते ही अपार्टमेंट्स में, तो यार अरबी लॉबी में ना सीरियसली रश होता ही अपार्टमेंट्स में ना यार। अपार्टमेंट्स में लाइक 3-4 स्क्वाड फाइट ले रही होती है, बहुत मजा आता है अरबी लॉबी में। पाकिस्तानी लॉबी में तो यार अपार्टमेंट्स होते ही सोन जाए, कोई होता ही नहीं अपार्टमेंट में, मजा ही नहीं आता। खैर यहाँ पे ना पहले से एक टीम होती है, दूसरी टीम भी रश कर देती है, आपस में फाइट लेते हैं तो एक टीम बच जाती है, तो एंड पे ना उस टीम से फाइट लेता हूँ मैं, तो सीन चेक करना। यार ये अगले बंदे के पास ना शॉटगन होती है, मैं जस्ट वेट कर रहा था किसी तरह ये शॉटगन वाला बंदा मैं नॉक कर दूं ना, इसको नॉक करना लाजमी है, नहीं तो यार ये मुझे बड़ा डर लगता है शॉटगन से। ओके गाइस ये क्लच हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस क्लच के बाद ना एक और टीम भी अपार्टमेंट्स में आ जाती है, तो उस टीम को भी मारते हैं ना। इसको नॉक करने के बाद ना मुझे काफी अफसोस हुआ था, मैं आपको क्लच होने के बाद ना बताता हूँ क्या सीन है। ब्रो फिनिश एनिमी। अफसोस इस वजह से हुआ था कि देखो यार अब कितना डिले हो गया क्लच में, अच्छे भले वो मेरे पे रश कर रहे थे, यार सीढ़ियों पे आते थोड़ा सा पीक शिक भी हो जाती, क्लोज रेंज भी हो जाती, मजा आ जाना था क्लच करने में। ये मैंने चूसी मारी थी, उसको बॉर्ड नॉक किया, फिर ना बस क्लच सारा खराब हो गया। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। गाइज इस यल्ले का नाम होता है बंदर, और इस बंदर की तबीयत ना मैं साफ करूंगा, मजाक मजाक में करूंगा ना, चेक करना आप लोग जरा। मिलिट्री बेस का जोन होता है गाइज, और यकीन करो जब भी मिलिट्री बेस का जोन होता है ना, या तो बंदे मिलते नहीं है या तो बंदे जल्दी मर जाते हैं, तो इधर इस वजह से मेरे इतने किल्स नहीं और बंदे देखो कितने अलाइव हैं। खैर यहाँ पे एक बंदा होता है, जाओ 1v3 कर लो, आप रहने दो, वे मत करो, आप अपना क्लच पूरा कर लो, इसी के साथ होंगे सर। नटकर भाई कहते हैं कि यार अपना क्लच पूरा करो, जाओ रश करो, तो मैं ना गाड़ी लेके ना रश कर देता हूँ। हाँ उधर ही है केस्ट्रो भाई, उधर ही नीचे आ रहा है, अच्छा बंदे को रिवाइव देने। मेरा इरादा था AWM चलाने का, लेकिन यार सीरियसली काफी अरसा हो गया AWM चलाए हुए, तो एम वगैरह सब ना ये स्नाइपर का मेरा खराब हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं ना प्रैक्टिस करूंगा, इसको इसके क्लचेस भी दिखाऊंगा आपको, क्लचेस या क्विक स्कोप। Marked a location. Watch out. Allah.
वाह बंदर वाह, फिश करवाते वक्त ना इसकी जुबान नहीं रुक रही थी, और इधर ये मेरे से मजाक मजाक में मर गया। खैर अब आइंदा ये ना किसी को फिश नहीं करवाने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लश पे। इवेंट रूट पे होता नहीं है तो हम मिलिट्री बेस लैंड हो जाते हैं और साथ हमारी एक टीम भी लैंड हो जाती है। मुझे जैसे ही लूट वगैरह मिलती है तो मैं रश करने पहुंचता हूँ तो साथ नंबर टू भी आ जाती है। वो कहती है कि भाई मुझे, मैं भी साथ रश करती हूँ। मैंने तो मना किया कि यार मेरे साथ ना आओ, मैं क्लच की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो कहती है कि भाई मैं पहले आगे जाऊंगी। मैंने कहा हाँ भाई तू रश कर ले पहले। और कुछ नहीं, मैंने वैसे स्मोक किया था, नीचे आ गया स्मोक किया नहीं। MS थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है तो पीक से इतना मज़ा नहीं कराती। तो खैर हमारा ये क्लच यहाँ पे कंप्लीट होता है, वीडियो भी यहाँ पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।